हेलो दोस्तों, हमें बचपन से ही स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइविंग की भी क्लासेस होती है। लेकिन वह सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं सिखाते, इन्वेस्टमेंट। हमें देशभक्ति सिखाते हैं, डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताते हैं, लेकिन एक कंट्री की तरक्की होती है बिजनेस से। हमारी GDP बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और हमें जॉब्स भी यहीं से मिलती है। तो आसान भाषा में देश की ग्रोथ होती है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? बिजनेस तब ग्रो होता है जब कोई उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होती क्या है, कंपनीज कैसे ग्रो करती है और हम किन किन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में मैंने एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में बताया है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लर्न टू अर्न बुक समरी बाय पीटर लिंक, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ लीगल पेपर्स फिल करने पड़ते हैं, फीस भरनी होती है और फिर कंपनी बन जाती है। अब तो यह और भी आसान हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ आधार कार्ड पर ही कंपनी फाउंडेशन शुरू कर दी है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी का मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन कंपनी कुछ लीगल पेपर्स का एक फोल्डर होता है। लॉ की नज़र में कंपनी एक अलग इंसान होती है, जैसे कि आप और मैं, जिसे गवर्नमेंट सजा भी दे सकती है, उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फायदा यह है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए। कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 का नुकसान हो सकता है, वही 1,00,000 जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड नहीं ले सकती। यही कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, यानी आप उतनी ही चीज़ों के लिए लाइबल हो जितनी आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसलिए कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो एक ही रास्ता है, आपको ओनर से शादी करनी पड़ेगी। दूसरा, पब्लिक कंपनी। यह वह कंपनी होती है जिसके शेयर्स शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, बस आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बेशक छोटे से ही सही, लेकिन मालिक ज़रूर बनते हैं। हम अपनी पसंद की किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं। द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में काफ़ी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनका यह कहना होता है कि अभी जॉब नहीं लगी, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लूं। लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का राजीव है जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है, जिसे लोगों को दिखाना है कि वह अमीर बन चुका है। वह सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छे से 20,00,000 की गाड़ी खरीद लूँ। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वह अपनी सारी सेविंग्स निकालकर 2,00,000 का डाउन पेमेंट देता है, फिर 18,00,000 का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन लिया 11.6% के रेट पर। अब हर महीने वह लगभग 40,000 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट देता है। शुरू शुरू में राजीव जब भी अपनी गाड़ी कहीं पार्क करता है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन 5 सालों के बाद गाड़ी पुरानी सी लगने लगती है। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह वाह करेगा, लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राजीव ने लोन ले लिया था। वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी कि एक गाड़ी पर 20 की जगह 26,00,000 खर्च हुए। 5 साल के बाद जब लोन चुका दिया तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे अब वह पसंद नहीं करता था। उसकी कीमत मार्केट में सिर्फ 8,00,000 रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश नाम के एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली थी। राजेश ने भी गाड़ी ली, लेकिन सेकेंड हैंड, वह भी बिना किसी लोन के। वह इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा। गाड़ी पर कोई डेंट या स्क्रैच लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर देता था। फिर एक ऐसा समय आया जब राजेश ने अपना खुद का घर खरीदा।
उसने अपने ऊपर के दो फ्लोर को रेंट पर दे दिया, फिर हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। पैसिव इनकम वह होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। अब राजेश को अपनी सैलरी के साथ रेंट भी मिल रहा था, यानी कि वह समझ गया था पैसे से पैसा कैसे बनाना है, अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट्स। जो इस बात को समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी होता है, उनके पास पैसे इन्वेस्ट करने के 5 ऑप्शंस हैं। सेविंग्स अकाउंट, यह बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं, बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है। लोन पर दिए गए पैसों पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, उसे कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है, यानी आप पैसे सेव करके उन पैसों से और पैसा कमा सकते हैं। सेविंग्स करने का हमारा मकसद होता है कि कम से कम हम इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही सकें, यानी महंगाई को। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 रुपये जमा किए, एक साल के बाद आपको 106 रुपये मिलेंगे, यानी 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सपोज़ उस साल इन्फ्लेशन भी 6% ही रहा, यानी जो सामान आप पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, आज वही सामान आपको 106 रुपये में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका रियल रिटर्न तो 0% हुआ, यानी आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिबल, मतलब कोई ऐसी चीज़ खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग हमें ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने सिक्के, कोई एंटीक आइटम, कोई यूनिक पेंटिंग एट्सेट्रा। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, लोग हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हो सकता है कि यह सामान टूट जाए, जल जाए या चोरी हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो सकती है। हाउस एंड अपार्टमेंट, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसों को यूज़ करके अमीर बन सकते हैं। जिसका मतलब है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाकी का 80% लोन से आता है। ज़्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद यह होता है कि उसे रेंट पर दे सके, जिससे उनके रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वह लोन की इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा हो, ताकि उनकी जेब से लोन का 1 रुपया भी खर्च न हो। देखा जाए तो उसे वह प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट किया था उस पर ही मिल जाती है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर से रेंटल इनकम मिलती रहती है, यानी ज़िंदगी भर के लिए पैसिव इनकम। इसके साथ ही जब जब उसके घर की कीमत बढ़ेगी, उसके रेंट वर्थ भी बढ़ती रहती है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बस एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो यह कहता है कि आपने किसी को लोन दिया है, जिसे आपने लोन दिया है वह कब कब और इतने पैसे आपको देगा, क्योंकि बॉन्ड्स में सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक कंपनी सब हमें बॉन्ड्स बेचती है, यानी हमसे लोन लेती है। अगर हम रिस्क लेने से डरते हैं या हम सिक्योर माइंडसेट के हैं, तो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि बैंक की तरह ही उनके पीछे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक कंपनीज के बॉन्ड्स लेना। सबके मन में यह डाउट होता है, अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे फिर वह कंपनी ही बंद हो गई तो क्या होगा। इस केस में हमारे पैसे तब भी सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है तब इस कंपनी के एसेट्स की नीलामी हो जाती है। इस नीलामी से जो पैसा आता है वह सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को जाता है, उसके बाद में शेयर होल्डर्स को। हमारी इन्वेस्टमेंट तब रिस्क में होती है जब कंपनी के सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि सभी बॉन्ड होल्डर्स के पैसे चुकाए जा सके। इसी वजह से कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही लेना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर्स को ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितने परसेंट ग्रो करेगी, हमारी वेल्थ भी उतने परसेंट ही ग्रो होती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जो कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, उन्हें बस उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना उस बॉन्ड सर्टिफिकेट में लिखा होता है। फिर वह कंपनी आगे चलकर चाहे माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस ही क्यों न बन जाए। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वह कंपनी की ग्रोथ का पूरा मजा उठाते हैं, यानी अगर कंपनी 20 गुना बढ़ेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी 20 गुना हो जाएगी। अगर हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें करोड़पति होना होगा या लखपति होना होगा, आप 500 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज शेयर प्राइस
600 रुपये चल रहा है। इसका मतलब कि हम 600 रुपये में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम यह भी नहीं करना चाहते तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं, फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर यह इमेजिन कर सकते हैं कि हमने उसके शेयर खरीद लिए हैं। अब हमें यह देखना होगा कि हम लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का उतार चढ़ाव के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। जब हमें कुछ कुछ अंदाज़ा होने लगे तब हम शेयर्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। जब लोगों को शेयर्स में नुकसान होता है तो वहाँ शेयर्स की गलती नहीं होती बल्कि खरीदने वाले की होती है, क्योंकि जितना वक्त हम एसी को खरीदने में लगाते हैं उतना वक्त हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में नहीं लगाते। जल्दबाजी में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, अगर हम खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो ऑथर कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। इसका काम होता है कि मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना और यह देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। म्यूचुअल फंड में कई लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपये दिए, मैंने 20,000 रुपये दिए। अब फंड मैनेजर इन सारे पैसों को कई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। अगर यह सारी कंपनी ग्रो करती है तो यह सारा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को उनके लगाए हुए पैसे के हिसाब से दे दिया जाएगा। इसी तरह अगर लॉस हुआ तो वह भी इन्वेस्टर्स को ही सहन करना पड़ेगा। अब क्योंकि फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है तो वह इसके लिए हमसे कमीशन लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप का नाम है ग्रो ऐप। ये इंडिया की टॉप 5 बेस्ट ऐप्स में आती है और 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका सिंपल UI एंड ट्रस्ट रेटिंग ऑफ 4.5 इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप बनाती है। इस ऐप में मैंने खुद ने कई म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और ऐप डाउनलोड करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम रखिए, जिससे आप और आपका परिवार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर हमें इन्वेस्ट करने में मज़ा आ रहा है तो हम शेयर्स खरीद सकते हैं। पीटर कहते हैं कि इसके लिए हमें MBA करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी भी अपने लिए शेयर ढूंढ सकता है, यहाँ तक कि वह किसी फंड मैनेजर से ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकता है। ऑथर कहते हैं जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। डॉट्स इन्वेस्टर, ये वो लोग होते हैं जो गैस करते हैं यानी तुक्का मारते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होता लेकिन फिर भी यह शेयर खरीद लेते हैं सिर्फ यह सोचकर कि किसी दिन शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। यह बिल्कुल एक लॉटरी की टिकट खरीदने जैसा है। इन्हीं लोगों को शेयर में नुकसान होता है, इन्हीं की वजह से लोग शेयर मार्केट के साथ नेगेटिव इमोशंस जोड़ लेते हैं। हॉट टिप्स इन्वेस्टर, यह लोग पार्टी में आए हुए मेहमानों और दोस्तों से टिप लेते हैं। अगर कोई कहता है कि रिलायंस के शेयर के दाम आगे बढ़ने वाले हैं तो ले लो, और यह सच में ले लेते हैं। एजुकेटेड इन्वेस्टर, इसमें ये टीवी पर बोलने वाले लोगों की टिप्स को सुनते हैं। हालांकि यह पिछली दोनों कैटेगरी से कुछ बेहतर होती है, फिर भी इसमें गलत डिसीजन लेने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि लाखों लोग इन्हीं टिप्स को सुन के शेयर खरीद लेते हैं जिनकी वजह से किसी को भी फायदा नहीं होता। ब्रोकर टिप्स इन्वेस्टर, यह लोग एक ब्रोकर की टिप पर डिसीजन लेते हैं। ब्रोकर जब आपसे कहता है कि मैंने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ब्रोकर इंटेलिजेंट हो, उसने सच में कंपनी को एनालाइज किया हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी कि वह उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए कहेगा जिसमें उनको ज़्यादा फायदा हो। डूइंग ओन रिसर्च इन्वेस्टर, यह खुद अपनी समझ से कंपनी को स्टडी करते हैं, फिर अपनी तसल्ली के बाद ही इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यह सबसे बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप एक बेसिक इन्वेस्टर भी हैं लेकिन इस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत हाई चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, आप सबको यह समरी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं ये भी बताएं, ताकि हम भी इन्वेस्ट करके जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।